हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आईएस की करेंट अफेयर्स। ये जून मंथ की करेंट अफेयर्स है और यहाँ पे मैं कल्चर सेक्शन को कवर करूँगी। इससे पहले मैं जितनी भी सेक्शन को कवर कर चुकी हूँ उन सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। ये है वकाटका डायनेस्टी। तो एक टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कन्फर्म किया है जो वकाटका डायनेस्टी थी उनका जो रूल हुआ था वो कैपिटल नंदीवर्धन से हुआ था, लेकिन आज के डेट में हम इस सिटी को क्या कहते हैं, नगरधन। ओके, ये एक लार्जेस्ट विलेज है जो कि डिस्कवर्ड किया गया है रामटेक तालुका के बगल में, जो कि आपका नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अब देखते हैं कि वकाटका डायनेस्टी के बारे में कुछ किए है क्या। तो वकाटका जो एम्पायर है वो ओरिजिनेट हुआ था आपका डेक्कन से मीड 3rd century CE में, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेसर है आपका सात वाहनास का जो कि डेक्कन में था। और जो वकाटका आपका डायनेस्टी है वो एक ब्राह्मण डायनेस्टी है जिसको हम लोग विंध्या शक्ति भी कहते हैं, जो कि आपका फैमिली का फाउंडर है। और जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन इनका शुरू हुआ था वो उनके बेटे से, जो कि आपका प्रवर सेना फर्स्ट था, उनसे इनका टेरिस्ट्रियल जो एक्सपेंशन था वो शुरू हुआ था। ओके, तो जो रॉक कट आपका बुद्धिस्ट विहाराज और चैतिस है आपका अजंता केव्स का, जो कि आज के डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का एक पार्ट है, तो वो भी इनके अंदर में ही बिल्ट हुआ था। ये वकाटका इम्पेरर थे जब इन दोनों जो बहुत आपके जो फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट आपके केव्स है वो इन पैट्रोनोज के अंदर ही आपका बिल्ट हुआ था। तो अब इस डिस्कवरी का आपका सिग्निफिकेंस क्या है ये देख लेते हैं। आज तक क्या हुआ कि रिसर्चर्स ने किसी तरह मैनेज किया था कि वो जो भी रिटन इंस्क्रिप्शन था, मीन्स जो भी सील वील पे लिखा हुआ चीज जो इंक्रिप्शन हम लोग को मिलता था उनके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेज कर पाते थे। इन सारे डायनेस्टी के बारे में हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते थे, लेकिन इससे क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रेस किया गया जो सीलिंग था वो एक फैक्ट दिया आपका, जिसमें कि किंगशिप जो है वो शिफ्ट हुआ अपना कैपिटल को वो पद्मापुर से लेकर वो नंदीवर्धन तक शिफ्ट किए थे। ओके, तो ये चीज़ पहले नहीं पता थी, लेकिन जब इस बार आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया तो उनको ये चीज़ पता चला कि ये जो इनका पहले जो कैपिटल था वो था पद्मापुरा, लेकिन बाद में इन्होंने नंदीवर्धन शिफ्ट किया। ओके, उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ जो अनअर्थिंग थी उनको वाइटल साइंस के रूप में बाहर निकाल के लाए। और इसके बाद जो टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स है जो कि आपका डिपिक्ट करता है, जैसे आइडल की गॉड्स की जो आइडल होती है, इमेजेस होती है एनिमल्स की, ह्यूमंस की, और साथ में स्कॉचेस, व्हील्स, स्किन, रबर्स, तो ये सारी चीज़ों की जो आपकी इमेजेस होती है वो भी इसके साथ साथ डिस्कवर्ड हो पाया। ओके, सो ये सारी छोटी मोटी चीज़ है जो आपको वकाटका डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं सैंत कबीर। ओके, ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी एक फ्रोलर ट्रिब्यूट्स ऑफर्ड किए थे सैंत कबीर जी की समाधि पर। क्यों किए थे, क्योंकि इनका 500 डेथ एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ था इस साल, और सैंत कबीर जो है एक बहुत महान पोइट थे। अब देखते हैं सैंत कबीर जी के बारे में कुछ। तो सैंत कबीर जो है एक मैजिस्टिकल पोएट थे और ये ग्रेट सैंत थे इंडिया के, जो बॉर्न हुए थे 1440 में और इनका जो डेथ हुआ था वो 1518 में हुआ था। ओके, ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका निर्गुणा भक्ति सैंत थे। कबीर जो टीचिंग था वो उनका बेस्ट था कि कंप्लीट हो, इंडीड हो, और रिजेक्शंस जो भी आपका मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस है उनको वो रिजेक्ट करते थे, और वो सारे रिलीजियस को एक ही रिलीजन मानते थे, वो कभी भी इनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किए। ओके, तो उनका जो टीचिंग था वो ओपनली था, जो रेडिक्यूल्ड करता था हर एक तरह का एक्सटर्नल वर्शिप, जैसे आपका ब्राह्मणिकल भी हो और हिंदुइज्म भी हो और इस्लाम भी हो। ओके, तो इन सबको ये एक करके चलते थे। और जो आपका कबीर पंथ था वो एक ह्यूज रिलीजियस कम्युनिटी था जो कि डिफाइन करता था आपका कबीर के ओरिजिनेटर के बारे में। ओके, तो कबीर दास जो थे वो फर्स्ट इंडियन सेंट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया आपका हिंदुइज्म और आपका साथ ही साथ इस्लाम को एक साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक पोएट के तौर पर उभरे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको यहाँ पर देखनी है कि इनकी कुछ राइटिंग्स जो याद करनी है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे हो गई बीजक, कबीर आपका ग्रंथावली, अनुराग सागर, साखी ग्रंथ। ओके, तो ये सारी इनकी एक कुछ राइटिंग्स है जो आपको रिमेंबर करनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बादशाही अशूर खाना। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने और आगा खान ट्रस्ट ने एक वर्क स्टार्ट किया जिसमें वो चाहते थे कि वो फिर से जो बादशाही अशूर खाना मॉन्यूमेंट है उसको रीस्टोर कर सके। तो ये बादशाही अशूर खाना मॉन्यूमेंट है क्या, ये बादशाही अशूर खाना जो है एक सिया मुस्लिम मॉर्निंग स्पेस है जहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो मॉर्न करते हैं। ओके, ये आपका प्रेजेंट है हैदराबाद में,
चार मीनार के पास, ये जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था आपका इमाम हुसैन की याद में, जो कि बैटल ऑफ कारबाला में उनकी डेथ हो गई थी। ओके, और इस फेस्टिवल को हम लोग मुहर्रम के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आपका अशूर खाना है, ये बिल्ड किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1611 में, जो कि आपका चार मीनार जब बना था ना, तो उसके जस्ट 3 साल के बाद इसको बनाया गया। उसके बाद जो ये अशूर खाना है, ये बहुत ही फेमस है आपका, इसमें जो रिटेन वर्क होता है वो आज की डेट में भी आपको दिखेगा। मीन्स अगर आज भी आप अशूर खाना देखोगे तो उसमें आपको वही लस्टर्स दिखाई देंगे, वही वाइब्रेंट कलर दिखाई देंगे, वही चमक होगी। ओके, और अब तक देखा जा रहा है तो ये 4 सेंचुरीज हो चुके हैं इनके बनने के बाद भी, लेकिन अभी तक जो इनकी चमक है वो गई नहीं है। तो अब कुछ देख लेते हैं कि ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये कौन थे। ये जो है आपके 5th सुल्तान थे कुतुब शाही डायनेस्टी के, गोलकंडा के। ओके, इन्होंने फाउंड किया था हैदराबाद सिटी को और इन्होंने आर्किटेक्चरल सेंटर पीस बनाया था चार मीनार। ओके, तो चार मीनार आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही बनाया गया है और उन्होंने ही बादशाही अशूर खाना भी बनाया था। उसके बाद बैटल ऑफ करबाला के बारे में देखते हैं। ये आपका हुआ था 680 AD में और ये जो है आशरूहा और 10th डे था आपका मुहर्रम का, इसलिए जब भी आपका मुहर्रम का डे होता है तो ये आपका इमाम हुसैन के याद में सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेवा भोज स्कीम। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल ने लॉन्च किया है सेवा भोज स्कीम, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये आपका सेंटर सेक्टर स्कीम है जो कि रिड्यूस करेगा आपका फिनेंशियल बर्डन कोई भी चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। इसमें क्या होगा कि जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर लगाएगी आपकी CGST और IGST के ऊपर, तो इसमें जो होगा जो भी आपका चैरिटेबल रिलीजन्स के ऊपर जो है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट CGST और IGST लगाएगी, जो कि उसमें प्रोवाइड किया जाएगा आपका फूड, प्रसाद, लंगर, भंडारा, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इस पर किसी भी तरीके के पब्लिक और डिवोटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, और ये और भी आपका एप्लीकेबल है चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसे आपका टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मॉस्क हो गया, चर्च, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मत, ये सारी जगहों पर भी आपका जो है ये सेवा भोज स्कीम अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 37th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया का अभी एक साइट जो है ये नॉमिनेट हुआ है, जो कि आपका हो गया विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एग्जाम्बल्स ऑफ मुंबई। इसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में रखा गया है। अब कुछ और न्यूज़ में देखते क्या था कि ये जो है इंक्लूड हुआ है आपके लिस्ट के अंदर और इसमें क्राइटेरिया जो है 2nd और 4th के अंदर आया है। तो ये जो आपका इंडिया जो है एक्सेप्ट किया गया है फिर से तीसरी बार, मुंबई की एक तीसरी साइट को इंक्लूड किया गया है। इससे पहले जो है 2 साइट ऑलरेडी महाराष्ट्र की जो है वो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, जिसमें से पहली है एलिफेंटा केव और दूसरी है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन। अगर इंडिया में हम लोग देखें तो टोटल अब तक 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अगर उसमें से आपका 5 साइट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और महाराष्ट्र जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स जो है वो इंक्लूडेड है। ओके, इंडिया जो है आपका 2nd नंबर पे आता है। अगर हम लोग चाइना, अगर हम लोग एशिया और पैसिफिक रीजन की बात करें तो हम लोग 2nd नंबर पे आते हैं चाइना के बाद, लेकिन अगर हम लोग पूरे होल वर्ल्ड की बात करें तो हम लोग ओवरऑल 6th नंबर पे प्लेस करते हैं। इट मीन्स कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारा जो है सबसे ज़्यादा नंबर पे जो भी मॉन्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लिस्ट हुआ है। ओके, तो ओवरऑल हमारे वर्ल्ड में 6th नंबर पे हम लोग हैं, लेकिन अगर एशिया पैसिफिक रीजन में देखा जाए तो चाइना के बाद हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट यहाँ पे लिस्टेड है। ओके, अब कुछ इसके बारे में समझते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या। तो ये आपका कलेक्शन है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको लैंडमार्क का, जो कि आपका लार्जेस्ट ऐसा कॉन्ग्लोमरेशंस है आपका, और जो ये है फर्स्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन है इस तरीके के 2 जनरस ऑफ आर्किटेक्चर का। ओके, जिसको कि इस साइट में इंक्लूड किया गया है। इस साइट के बारे में बता रहे हैं विक्टोरियन एंड आर्ट डेको कि इसमें है क्या, तो इसमें 2 तरीके के आपकी बहुत बड़ी आपको जनरस दिखेगी आर्किटेक्चर का। इस सिंबल्स जो है वो कॉन्सिस्ट है आपका 94 बिल्डिंग्स, जिसमें कि आपका 19th सेंचुरी का विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल दिखाई देगा और दूसरा जो है वो आपका 20th सेंचुरी का आर्ट डेको स्टाइल जो है आर्किटेक्चर का वो दिखाई देगा। ओके, और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखें विक्टोरियन आर्ट का, तो इसमें है कि इसमें आपका पॉइंटेड आर्कस यूज़ हुआ है, इसमें हेवी स्टोन है, इसमें ब्रिक्स है और इसमें आपका पॉलीक्रोम्स यूज़ हुआ है, जो कि आपका कलर के लिए यूज़ होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर के लिए। और बोल्ड फॉर्म्स जैसे कि आपका टावर्स हो गया, मैसिव हीप्स हो गया, ग्रेबल्ड रूफ्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई है। अगर हम लोग अब देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है क्या। ओके,
तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी आपका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये जो कन्वेंशन है ये आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि अडॉप्ट किया गया है 1972, जिसमें कि आपका यूनेस्को के मेंबर से के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है। अगर इसका प्राइमरी मिशन देखें कन्वेंशन का, तो ये है कि इसको आइडेंटिफाई करना है और जितने भी वर्ल्ड्स के नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करना है। ओके, और स्ट्रैटेजिक अगर ऑब्जेक्टिव देखें हम लोग कन्वेंशन का, तो वो आपका बेस्ड है 5C। तो 5C में क्या क्या है? पहला है क्रेडिबिलिटी, दूसरा है कंजर्वेशन, तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, चौथा है कम्युनिकेशन और पाँचवा है कम्युनिटीज़। ओके, जो कन्वेंशंस है वो सर्व करता है कैटलिस्ट, जिसमें कि जो हेरिटेज प्रिजर्वेशन है उसके लिए जो है अवेयरनेस उत्पन्न हो। जो वर्ल्ड हेरिटेज आपका फंड है वो सेटअप किया गया था इस कन्वेंशन के अंदर, जिसमें कि फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है स्टेट पार्टीज़ को, जो इसमें क्या होगा कि वो आइडेंटिफाई करे, प्रिजर्व करे और प्रमोट करे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। ओके, तो जो ये साइट हमारा जो इनलिस्ट हुआ है, तो वो हमारा जो है क्राइटेरिया सेकंड और फोर्थ के अंदर हुआ है। तो ये सेकंड और फोर्थ क्राइटेरिया है क्या? तो अगर हम लोग सेकंड का देखें, तो इसमें क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट इंटरचेंज होता है ह्यूमन वैल्यूज़ का, जो कि डेवलपमेंट दिखाता है आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी का। ओके, और अगर हम लोग फोर्थ देखें, तो आपका फोर्थ क्राइटेरिया है कि ये आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है एक बिल्डिंग के टाइप का, आर्किटेक्चर का और टेक्नोलॉजिकल एग्जाम्पल्स का, इसीलिए इसको दो क्राइटेरिया के अंदर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला एक 4 दिन की आपकी एनुअल फेयर दिखती है, मेला है जो कि रिसेंटली आपका कामाख्या टेम्पल में इसको लगाया गया था, जो कि आपका आसाम के गुवाहाटी में है। ओके, अब इस फेयर के बारे में समझते हैं कि ये मेला है क्या। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें आपका मेंस्ट्रुएशन होता है आपका गॉडेस, जो कि कामाख्या टेम्पल में होती है। ओके, तो इस समय क्या होता है, ये फेयर्स जो है आपका हर साल जून में होती है, और इस साल जो है ये आपका 22 जून से 26 जून को हो रही है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस तरीके की फेयर का? तो ये जो है कंसीडर किया जाता है एज ए ऑस्पिशियस पीरियड, जब आपका वीमेन जो है प्रे करती है फर्टिलिटी के लिए और सेलिब्रेट करती है चाइल्ड बियरिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ वीमेन। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि इससे हम लोग जो है आज के डेट में जो भी पैदा होते हैं, हम लोग जिस तरीके के हम लोग जो भी बच्चे हैं, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू होता है, जो कि वीमेन में होता है हर एक महीने। लेकिन यहाँ पर जो कामाख्या टेम्पल में जो कामाख्या हमारी गॉडेस है, उनका एनुअली जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, और इस ओकेज़न को हम लोग ऐसे भी मार्क करते हैं कि ये क्या होती है कि प्रमोट करती है अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। ओके, क्योंकि इस समय जो ये पीरियड होती है, जब आपको जब विमेन को पीरियड होती है, तो उस समय हाइजीन रहना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये मेला आपका लगाया जाता है, जिससे जो है विमेन के थ्रू और सारे लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है। ये आपके जो टुलोनी बिया रिचुअल है, जिसका मतलब है स्मॉल वेडिंग, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि जो आसाम की गर्ल है वो वुमेनहुड हासिल करती है। ओके, तब उनकी शादी होती है, तो वो आपका एक रिचुअल भी है जो इस मेले में होता है। अब समझते हैं कामाख्या टेम्पल के बारे में कुछ। ये आपका सिचुएटेड है नीलचल हिल, जो कि आपका गुवाहाटी में देखने को मिलेगा आसाम में, और ये आपका एक है 32 शक्ति पीठ से, जिसको हम लोग सीट ऑफ शक्ति फॉलोवर्स भी कहते हैं। ओके, और ये बिलीव किया जाता है कि जो साइट है जहाँ पे हिंदू डीटी आपकी सतीज का जो विमेन वॉम है और जो जेनिटल फेल है, वो क्या होता है कि वो शी टर्न टू डेट। ओके, मतलब क्या हुआ कि ऐसा माना जाता है कि जैसे सती प्रथा थी, जब अगर किसी भी लेडी के हस्बैंड अगर मर जाते थे, तो उनके साथ लेडी को भी जो है वो उनको भी डाई कर दिया जाता था। तो उस समय क्या होता था कि जब वेमेन जो है अपने आप को अग्नि में जला के जब अपने को डेथ कर लेती थी, तो उस समय उनके बाद जो मरने के बाद उनका जो वॉर्म होता था और जेनिटल होता था वो फेल डाउन हो जाता था, अपने आप गिर जाता था। कामाख्या देवी एक आपका रेगनी देवी है, जिसको कि हम लोग वर्शिप करते हैं एज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ओके, और इसको हम लोग ऐसे भी कंसीडर करते हैं जैसे वन ऑफ द प्राइम सीड्स ऑफ टैंट्रिक रिचुअल्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडिया वियतनाम MOU पोस्टल स्टैम्प। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने साइन किया है एक MOU, ओके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वियतनाम के साथ पोस्टल स्टैम्प में। तो कुछ हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वियतनाम का और इंडिया का, उन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट जो कि दिसंबर 2017 में था, और ये इशू किए हैं जॉइंट स्टैम्प ऑन इंडिया वियतनाम जॉइंट इशू ऑन थीम, जिसमें थीम थी आपकी एंशियंट आर्किटेक्चर। तो जो ये एग्रीमेंट है ये अप्रूव्ड हुआ है अब जाके। तो जॉइंट जो है वो आपका स्टैम्प डिपिक्ट करेगा सांची स्तूपा और फो मिन पगोड़ा, जो कि आपका वियतनाम में है।
और इसको रिलीज़ किया गया था 25 जनवरी में। अब सांची स्तूप के बारे में समझते हैं। ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है इंडिया का और ये कमीशन किया गया था 3rd सेंचुरी BCE में अशोका एम्पेरर के द्वारा। और ये बिलीव किया जाता है कि जब ये सुंगा एम्पेरर थे तो उस समय इसको ये वेंडलाइज था। ओके, लेकिन अगर हम लोग अग्निमित्रा सुंगा के देखें तो ये क्या था, ये रिफर्निश्ड हो गया था, ये फिर से आपका अच्छे से हो गया था। लेकिन अगर हम लोग सतवाहाना पीरियड का देखें तो ये गेटवे था आपका, जो कि आपका बिल्ड किया गया था और हाईली डेकोरेटेड किया गया था। ये जो गेटवे कमीशन किया गया था ये कवर किया गया नैरेटिव स्ट्रक्चर के साथ। ओके, और इसमें जो है आपको लॉर्ड बुद्धा का फिगर दिखेगा और साथ ही इस स्ट्रक्चर को कैनोपी किया गया था बुद्धा ट्री में। ओके, जहाँ पे आपके लॉर्ड बुद्धा ने इनलाइटमेंट लिया था। अगर हम लोग देखें तो ये आपका मेन पार्ट है अगर स्तूपा का देखें तो वो है अंडा, हर्मिका, चत्र, ओके, मेदी, वेदिका, तोराना। जो सांची स्तूपा है वो 4 आपका ब्यूटीफुली कार्व्ड तोरानास है और गेटवेज है, जो कि आपका डिपिक्ट करता है एक फेमस इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ और जटाकास। ओके, और ये इनलिस्टेड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में। अब हम लोग फो मिन पगोड़ा का देख लेते हैं, जो कि वियतनाम में है। तो ये बिल्ड किया गया था ओरिजिनली ड्यूरिंग द लाई डायनेस्टी और ये जो है एक्सपेंड किया गया था 1262 ड्यूरिंग द ट्रैन डायनेस्टी। ओके, ये एक प्लेस है हाई रैंकिंग मदरानीज का और ये एस्ट्रोक्रेसी है आपका ट्रान रॉयल कोर्ट का, जो कि वर्शिप करती है और रिलीजियस लाइफ को लीड करती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंस है स्तूपा में और पगोड़ा में। ओके, तो अगर हम लोग इन जनरल कहें तो स्तूपा का मतलब होता है कि एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है इंडिया का, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है। और वैसे ही अगर हम लोग पगोड़ा को देखें तो वो एक टेम्पल है, सेक्रेट बिल्डिंग है ईस्ट एशिया का, जो कि आपका इंटर किया गया है और सेकुलर है पर्पस से। स्तूपा जो है आपका हेमिस्फेरिकल डोम शेप्ड को स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपका कंटेन है बुद्धा का रिमेंस और बोधिसत्व। वहीं अगर हम लोग पगोड़ा का देखें तो पगोड़ा में आपका मल्टीपल डिस्क का सेट्स है। ओके, टिपिकल अगर स्तूपा की बात करें तो पगोड़ा जो है एक्चुअली उसमें इंटीरियर स्पेस है, समटाइम्स जो है सेवरल लेवल भी है। पगोड़ाज जो है वो आपको मिलेगा नेपाल, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका में। ओके, तो इस फिगर में आप देख सकते हो ये है स्तूपा और ये है पगोड़ा। ओके, स्तूपा में आपको डोम शेप्ड दिखेगा लेकिन पगोड़ा में आपको मल्टीपल लेवल्स दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपको रूफ भी दिखेगा और एव भी दिखेगा, आपको पिलर, टाइल्स सब दिखेंगे। ओके, यहाँ आपको यस्ती दिखेगी, छतरास दिखेगी, एक छतरी होती है जिसको छतरास कहते हैं। ओके, ये तरानास है, इसको तरानास कहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे स्तूपा में दिखेगी। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चर सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।